हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रियल टेक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज पूरी दुनिया स्मार्टफोन की कितनी दीवानी है, और मेरे ख्याल से आपके पास भी तो एक स्मार्टफोन होगा ही। अगर हाँ, तो आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप जरूर चलाते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 व्हाट्सएप की ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो काफ़ी कमाल की ट्रिक है, और ये 5 ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वो 5 व्हाट्सएप की ट्रिक कौन कौन सी है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली आगे वीडियो हो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के ऊपर। तो दोस्तों, जो इसमें ट्रिक है, वो पहला ट्रिक ये है कि अगर आप किसी को वॉइस मैसेज करना चाहते हैं, तो इसमें पहले क्या होता था कि जब आप किसी को वॉइस मैसेज सेंड कर रहे होते थे तो आपको माइक पे प्रेस करके रखना होता था जब तक आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते थे। तो दोस्तों, अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम दोस्तों इसमें आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी को वॉइस मैसेज करना चाहते हैं तो आपको इसको माइक पे दबा कर रखना है 2 सेकेंड के लिए। जैसे ही आप दबा कर रखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो ऊपर के एक लॉक को इंडिकेट करता है, उस पर आपको ले जाकर छोड़ देना है। इससे दोस्तों क्या हुआ कि जब आप मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, इससे आपको प्रेस करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मैसेज जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको उसे प्रेस करके माइक को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर दूसरे की ओर। तो दूसरा ट्रिक भी दोस्तों यहीं से ही है। जैसा कि आप पहले किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैसेज भेजते होंगे तो आपको बोलने में कोई मिस्टेक्स हो जाती थी, तो वैसे कंडीशन में क्या होता था पहले कि उस पे से जैसे ही आप हाथ को हटाते थे माइक पे से, तो वो मैसेज ऑटोमेटिक उसे सेंड हो जाता था। तो लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप माइक पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको रिकॉर्ड करते समय अगर कुछ गलती मिस्टेक्स हो जाती है तो वैसे कंडीशन में आप उसे लेफ्ट साइड में स्वाइप करके छोड़ देंगे तो वो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेफ्ट में ले जाकर उस पर जो कैंसिल का ऑप्शन है उस पर ले जाकर छोड़ दीजिएगा तो वॉइस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसे सेंड भी नहीं होगा और ना ही आपके व्हाट्सएप में रहेगा। तो दोस्तों, ये था दूसरा ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर तीसरे की ओर। तो दोस्तों, तीसरा ट्रिक ये है कि पहले क्या होता था कि जब आपको कोई मैसेज या वीडियो फॉरवर्ड करता था तो आप उसे जब आगे फॉरवर्ड किसी को करते थे, तो जैसे मैं आप किसी को शेयर किए उस पोस्ट को, तो उसमें आपको पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता होगा फॉरवर्डेड। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि उस आगे वाले को समझ में आ जाता है कि ये पोस्ट आपकी नहीं है, आपको किसी ने भेजा और उसी चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको बताते हैं कि ये फॉरवर्डेड को कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए सिंपल सा, आपको जाना है जिस पोस्ट को आप सेंड करना चाहते हैं, जिस फोटो को आप सेंड करना चाहते हैं, आप उस पर जाएंगे और उस पर जाने के बाद सेम है कि जैसे आप पहले शेयर किए थे वैसे ही शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क बस इतना है कि जो पहले शेयर का ऑप्शन था उस पर ना क्लिक करके दूसरे वाला जो शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उससे आप शेयर कीजिए। उससे शेयर करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जब आप किसी को ये फोटो या वीडियो कुछ भी अगर सेंड करते हैं तो उसके ऊपर जो फॉरवर्डेड का ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा था पहले, वो दिखाई नहीं देगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों ये पोस्ट, ये फोटो, ये वीडियो लगेगा उसे कि ये सिर्फ आपका ही है, आपको किसी ने नहीं भेजा। दोस्तों, ऐसे में अपनी पहचान यहाँ पे बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर 4 ये है कि जब आप किसी को वॉइस मैसेज करेंगे तो आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉर्ड करने के दौरान आपसे कोई मिस्टेक्स या गलती हो जाती है और आप नहीं चाहते हैं उसे सेंड करना, तो आपको क्या करना है कि माइक को रिकॉर्ड करते समय जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसके बीच में ही आपको प्रेस कर देना है बैक वाले बटन पे। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको जिसको ये मैसेज सेंड करेंगे उसको सेंड करने से पहले आप उसे एक बार खुद सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक्स या गलती हो गई है बोलने के दौरान तो आप उसे सिंपल सा डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे सेंड वाले बटन पे क्लिक करके आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आपको उस मैसेज को भेजने से पहले आप उसे एक बार खुद सुनकर वेरीफाई हो सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 5 की ओर।
तो दोस्तों जो ट्रिक नंबर 5 है वो ये है कि आप अपने व्हाट्सएप में डार्क मोड को कैसे इनेबल करें। जी हाँ दोस्त, वैसे तो ये ट्रिक काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन जब ये शुरू में आया था तो आपको सारे फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था। सिर्फ एंड्रॉयड 10 पे बेस्ट जितने भी फ़ोन थे उन्हीं में थे, और बीटा वर्जन के व्हाट्सएप में ही थे, तो इसलिए मैंने इसे पहले नहीं बताया। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि इसे कैसे डार्क मोड को व्हाट्सएप में इनेबल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ऊपर 3 डॉट लाइन पर जाना है। उसमें जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको एक चैट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद सबसे ऊपर आपको एक थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लाइट और डार्क, तो डार्क पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो अब हो गया आपके व्हाट्सएप में डार्क मोड इनेबल। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ कि आपके फ़ोन में कहीं पे भी व्हाट्सएप डार्क मोड इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है तो आप उसको तुरंत से इनेबल कर लें। इससे दोस्तों कुछ फ़ायदे होते हैं। जो पहला है ये है कि आपका जो बैटरी बहुत कम कंज्यूम होगा, और दूसरा कि आपकी आंखों पे कम इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे व्हाट्सएप से जुड़ी टॉप 5 ट्रिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे व्हाट्सएप से जुड़ी ट्रिक्स है, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है, इसलिए मैंने उस ट्रिक को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आपको इन टॉप 5 ट्रिक्स में से कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना।